तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं नेपाल। ये लीजिए हमारी ट्रेन अब हाजीपुर जंक्शन से खुल चुकी है। आप लोग को पहले वाले ट्रिप में भी दिखा होगा ये हाजीपुर, जब मैं वैशाली जा रहा था तो इस हाजीपुर जंक्शन में आया था। तो आप लोग हाजीपुर जंक्शन का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आप लोग को मिलते हैं डायरेक्ट मुजफ्फरपुर। स्टेशन में ही स्टे किया और अभी देखते हैं आगे का जो शेड्यूल है। आगे का है कि हम लोग को जाना है नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना है। देखते हैं परमिशन मिल पाती है या नहीं, क्योंकि वो अदर कंट्री हो जाती है तो थोड़ा सा उसमें डॉक्यूमेंट्स का इशू होता है। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा भूख लगा है तो चलते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करते हैं जर्नी। काफ़ी ये अच्छा स्टेशन है, काफ़ी अच्छा ये जंक्शन है। तो मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं इस स्टेशन का पूरा व्यू दिखाऊंगा, तो चलिए थोड़ा सा कुछ व्यू दिखा देता हूँ इस स्टेशन का। देख सकते हैं यही कुछ रक्सौल जंक्शन का ही कुछ नज़ारा रहा। इधर पीने का पानी है, इधर ये खड़ी है ट्रेन, और इधर जो देख सकते हैं इधर ये फ्लाई ओवर एक बनाया गया है जो कि अभी ये बंद है। बंद क्यों है ये पता नहीं है, शायद टूटा हुआ होगा इसी कारण ये फ्लाई ओवर बंद है अभी। और चलिए अब आपको आगे से व्यू दिखाते हैं इस रक्सौल स्टेशन का। और इधर है स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता, इधर ये देख सकते हैं इधर है कुछ ताज खिड़की। इधर जो आप देख रहे हैं इधर है वेटिंग एरिया, इधर आप बैठ सकते हैं, इधर सो सकते हैं। नाइट में हम लोगों ने यहीं पर स्टे किया था। उधर जो आप देख रहे हैं उधर है टिकट काउंटर है, इधर देख सकते हैं।
1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 टिकट काउंटर से देख सकते हैं। और इधर विकलांगों के लिए और महिलाओं के लिए इधर है बनाया गया है। ये है बाहर का व्यू, कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर कल्चर देख सकते हैं, जो खाना देते हैं यहाँ पे देख लीजिए, कागज में दिया गया है यहाँ पे पूड़ी और जलेबी और सब्जी बाबू। और देख सकते हैं यहाँ पे एक सब्जी मिला है और यहाँ पे कचौड़ी और जलेबी, वो भी पेपर पे। देख सकते हैं यहाँ का यही कल्चर है रक्सौल का। तो फिर नाश्ता वास्ता कर लिए हैं हम लोग ने और अब निकलते हैं यहाँ से सीधा नेपाल बॉर्डर, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। भैया ने बताया कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर मतलब 1 से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर यहाँ से नेपाल बॉर्डर है। तो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि नेपाल बॉर्डर में अगर परमिशन मिलती है हम लोग को तो हम लोग अंदर क्रॉस करेंगे, अंदर जाएंगे नेपाल। और आप लोग के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं अर्पित आनंद रक्सौल के गलियों में, गलियों नहीं इसे रोड बोलेंगे, या रोड में रोड पे चलते हुए अर्पित आनंद रक्सौल सिटी में। देख सकते हैं ये रक्सौल सिटी का ये रोड है, देख सकते हैं। और इधर उधर साइड झील है शायद, और काफ़ी बेहतरीन ये जगह है रक्सौल। और उधर हमारा स्टेशन, देख सकते इधर पानी टंकी और इधर कुछ घास फूस की बेहतरीन नज़ारा। उधर शायद लोग मछली पकड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग नेपाल के बॉर्डर के पास। आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया का सड़क है और मैं जूम करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल का फ्लैग दिख चुका है और काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चल कर आप लोग को दिखाते हैं नेपाल का बॉर्डर और अंदर जाने का भी कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स नेपाल बॉर्डर हमारे सामने में, देख सकते हैं फ्लैग, देख सकते हैं आप नेपाली फ्लैग। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा, काफ़ी खुशी मुझे मिल रही है। फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं नेपाल और आप लोग देख सकते हैं वो है नेपाल का फ्लैग और इधर साइड ये हो गया नेपाल और उधर साइड हो गया इंडिया। तो ये है वीरगंज, नेपाल का ये वीरगंज से कहा जाता है। और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है नेपाल पहुंचकर, क्योंकि ये गर्व की बात है कि एक इंडियन अदर कंट्री जब पहुँचता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो आप लोग मेरे चेहरे पर खुशी देख पा रहे होंगे कि कितना मैं खुश हूँ कि मैं नेपाल पहुँच चुका हूँ। ये पहला मेरा कंट्री है जो कि मैं टूर करने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी शायद कोयला का ये जगह है, पता नहीं, काफ़ी हर मिट्टी विट्टी काला काला पूरा है। आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा ये जो रोड है पूरा काला काला हो पड़ा है। सो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। शायद हम लोग सोच रहे हैं कि अब पूरा प्रॉपर नेपाल जाया जाए, जो नेपाल का जो प्रसिद्ध चीज़ है वो आप लोग को दिखाया जाए।